स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिकुटा भवन के बारे में। आप यहाँ पे बुकिंग किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल जाती है और किस तरीके की डॉर्मेट्रीज आपको देखने के लिए मिलती है, वो सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको लेकर के चलता हूँ, मेरे जस्ट पीछे है त्रिकुटा भवन। दोस्तों ये है बस स्टॉप नंबर 2 और टैक्सी स्टैंड नंबर 2, इसके जस्ट सामने आपको मिल जाएगा त्रिकुटा भवन। आप ये देख रहे हैं, ये वाला वे जाता है अपना रेलवे स्टेशन के लिए, और इधर से जो ये वे जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड, ये जाएगा मेन कटरा फाउंटेन सर्किल के लिए। तो चलिए अब आपको लेकर के चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ त्रिकुटा भवन का ओवरऑल व्यू। दोस्तों एंट्री करते ही सामने की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा महालक्ष्मी मंदिर, और लेफ्ट हैंड साइड पे है इनका रिसेप्शन काउंटर। ये राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा कंप्लीट लॉकर एरिया, और इधर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो यहाँ पे आपको इनका कैफेट एरिया देखने के लिए मिल जाता है, जो कि श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल कैफेट एरिया है। मैं इनका एक बार प्राइस लिस्ट जो है वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब एक बार मैं आपको इनका जो कैफेटेरिया है वो भी कंप्लीट उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ इस तरीके का जो है इनका कैफेटेरिया बना हुआ है अभी अंदर से। काफ़ी अच्छी बैठने की व्यवस्था मिल जाती है आपको, नीट एंड क्लीन है, डस्टबिन रखे हुए हैं प्रॉपरली, और हर एक टेबल पे आपको जो है पानी का जग मिल जाता है। प्रॉपर टेबल सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है, सामने जो है रिसेप्शन काउंटर है, पानी के लिए प्रॉपर व्यवस्था बनाई हुई है, और सामने हैंड वॉश के लिए प्रॉपर व्यवस्था है। तो ये इनका कंप्लीट जो है कैफेटेरिया रहने वाला है, और सामने जैसा कि मैंने आपको बताया महालक्ष्मी मंदिर है। दोस्तों इसमें इस तरीके की जो है लॉबी बनी हुई है हर फ्लोर पे, टोटल इसमें 5 फ्लोर हैं, ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर, टोटल 5 फ्लोर बने हुए हैं, और हर एक फ्लोर पर 12 से 15 डॉर्मेटरी जो है हर फ्लोर पर बनाई हुई है, और सेंटर में जो है काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया हुआ है महालक्ष्मी जी का और भोलेनाथ का, और काफ़ी अच्छा जो है मंदिर बनाया हुआ है बीच में, जो कि बहुत अच्छी जो है वाइब देता है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ रूम्स की तो काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरे रूम्स मिल जाते हैं अपने को, और अगर आप 10 मेंबर्स आ रहे हैं तो ये कंप्लीट रूम ले सकते हैं, बट अगर आप 2 या 3 मेंबर्स हैं तो डोरमेट्री ले सकते हैं, और 10 मेंबर्स के लिए एक पूरा रूम ही अलॉट कर देते हैं। पर रूम में इनका कंडीशन ये रहता है कि उसमें आपसे 150 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं ये लॉकर का, जो कि रिफंडेबल रहता है जब आप रूम खाली करके जाते हैं। चलिए अभी मैं आपको एक बार इनका रूम का ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये है डॉर्मेट्री 413, 413 नंबर का डॉर्मेट्री है, इसका एक बार मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ किस तरीके का इसमें आपको डॉर्मेट्री मिलता है। ये आप देख सकते हैं डॉर्मेट्री, इस तरीके का डॉर्मेट्री आपको मिल जाता है जहाँ पे टोटल 10 बेड होते हैं यहाँ पे, और सामने की तरफ इसमें आपको बालकनी मिल जाती है, जो बालकनी में आप कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं, या अगर आप बाहर थोड़ी बहुत देर खड़े होना चाहें तो वो हो सकते हैं। मैं आपको बालकनी भी जो है एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ इनका। ये इनका बालकनी एरिया है, और इनका ये बैक वाला वे है, बैक वाला साइड है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर का नजारा है, और वो सामने जो है त्रिकुटा पर्वत है जहाँ पे माता रानी का भवन है, परंतु अभी बादलों से वो जो है बादलों की चादर में पूरी तरीके से ढका हुआ है। सामने शंकराचार्य मंदिर है, आप देख सकते हैं, आई थिंक वो प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा क्योंकि बादलों की वजह से वो हल्का हल्का ब्लर आ रहा है। काफी अच्छा यहाँ से ओवरऑल व्यू दिख जाता है आपको देखने के लिए, और ये जो वे नीचे जो रोड दिख रहा है ये त्रिकुटा भवन के बैक साइड वाला व्यू है, और यहाँ से आपको सारी बालकनियाँ दिख जाएगी, जो हर एक रूम की जो बालकनी है वो सारी बालकनीज आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। तो ये ओवरऑल व्यू है इस रूम का। साथ में एक सबसे अच्छी चीज़ आपको जो यहाँ देखने के लिए मिलेगी वो ये कि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल लॉकर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे आते हैं डोरमेट्री बुक करते हैं तो आप इंडिविजुअल एक लॉकर ले सकते हैं, उस लॉकर में आप अपना सामान रखिए, लॉक लगा करके आप जा सकते हैं बाहर, अगर आसपास कहीं घूमने जा रहे हैं आप तो अपना जो सामान है इसमें रखिए, और इतना बड़ा आपको लॉकर मिल जाता है, इसमें आराम से आप लॉक लगा सकते हैं, लॉक लगा करके आप जो है बाहर जा सकते हैं आराम से। इस तरीके के आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल 6 लॉकर इस साइड मिल जाते हैं, 6 लॉकर इस साइड मिल जाते हैं, सो आई थिंक 10 बेड के साथ 12 लॉकर इनफ है। और अगर मैं लाइटिंग की बात करूँ तो लाइटिंग भी प्रॉपर मिल जाती है रूम में, सामने जो है विंडो लगी हुई है लाइटिंग के लिए प्रॉपर, और फैंस लगे हुए हैं, और लाइटिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में अगर मैं हाइजीन की बात करूं तो आप बेड्स देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सारे बेडशीट, हर एक बेडशीट जो है हर विजिट के बाद चेंज किया जाता है, डेली बेसिस पे 2 बार रूम की क्लीनिंग होती है,
और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल व्यू की यहाँ की, तो व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये जो डॉर्मेट्री है अभी खाली हुई है, तो इनके बेडशीट्स बाहर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो लेकर के जाएंगे, और बेडशीट जो है वो वॉशिंग के लिए जाती है प्रॉपरली। और हर एक डॉर्मेट्री के बाहर चारों कोने में डस्टबिन रखा हुआ है, वहाँ ब्लू कलर का डस्टबिन देख सकते हैं, सामने ब्लू कलर का डस्टबिन देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर का डस्टबिन, और साथ में यहाँ पर भी जो है डस्टबिन रखा हुआ है। तो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है, नीट एंड क्लीन ये बना हुआ है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्राउड की, अगर आप नवरात्रि के टाइम आते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा क्राउड देखने के लिए मिल जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आज संडे है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है। दोस्तों अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे वे के बारे में कि आप फ्लोर पे कैसे जा पाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर स्टेयर्स दिया हुआ है, साथ में लिफ्ट भी यहाँ पे लगी हुई है, दो आपको स्टेयर्स मिल जाएंगी, दो साइड आपको स्टेयर्स मिल जाती है, साथ में लिफ्ट की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयर्स के साथ साथ लिफ्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्टेयर्स वाला वे ये है, पास में ही लिफ्ट है, अगर किसी को स्टेयर्स से चलने में प्रॉब्लम आती है तो वो लिफ्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं बात कर लेता हूँ वॉशरूम्स की, तो वॉशरूम्स के लिए यहाँ पे जो है हर फ्लोर पे एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए दो सेपरेट वॉशरूम्स बनाए हुए हैं। हर फ्लोर पे दो वॉशरूम्स हैं। अभी जैसे आप सामने बोर्ड देख सकते हैं ऊपर की साइड, वहाँ पे ये फीमेल्स के लिए वॉशरूम है, इसके जस्ट पास में जो है मेल का वॉशरूम है। मैं आपको एक बार वॉशरूम दिखा देता हूँ, अभी तक ये मॉर्निंग में क्लीन नहीं हुआ है, ये मॉर्निंग में जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी वॉशिंग होना बाकी है, और उस टाइम का ये वीडियो है। यहाँ वेस्टर्न भी आपको मिल जाता है पॉट, और अगर बात की जाए इंडियन पॉट्स की तो इंडियन पॉट्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। अभी इसका वॉशिंग होना बाकी है इसलिए थोड़ा इस तरीके का लग रहा है, और यूरिन के लिए भी एक सेपरेट बनाया हुआ है। ये पूरा कंप्लीट बाथरूम एरिया है जहाँ पे आपको नहाने के लिए गीज़र वगैरह भी सारी फैसिलिटी मिल जाती है अगर आप सर्दी के टाइम में आ रहे हैं। ये ऊपर देख सकते हैं आप गीज़र, साथ में आपको बकेट मिल जाता है, इस तरीके के इनके जो है बाथरूम्स बने हुए हैं। यहाँ पे भी जो है सेपरेट गीजर लगा हुआ है। डस्टबिन रखा हुआ है ताकि कचरा जो है प्रॉपर डस्टबिन में डाला जाए। यूनियन पॉट्स हैं, कुछ इस तरीके की जो है बाथरूम की कंडीशन मिल जाती है। ऑल दो अभी ये वॉश नहीं हो रखा है, हर फ्लोर पे मेल और फीमेल के लिए सेपरेट वॉशरूम्स जो है बनाए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे ब्लैंकेट्स लेते हैं सर्दी के टाइम, अगर आप ब्लैंकेट्स लेना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, बस उसका सिक्योरिटी चार्जेस रहता है 500 जो कि रिफंडेबल होता है। अब बात कर लेता हूँ मैं पानी की। पानी की फैसिलिटी के लिए हर जगह वाटर डिस्पेंसर लगाए हुए हैं ताकि पानी ठंडा मिल सके आपको। और कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल व्यू है, कंप्लीट डॉर्मेट्री का ओवरऑल व्यू आप देख सकते हैं कंप्लीट बिल्डिंग का। और ऊपर की तरफ जो है रूफ एरिया है, वहाँ जाना अलाउड नहीं रहता है। और नीचे सेंटर में मंदिर बना हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूँ त्रिकुटा भवन में बुकिंग किस प्रकार से करा सकते हैं। त्रिकुटा भवन में बुकिंग के लिए आप या तो ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप बुकिंग करा सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आप जो है लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करवाते हैं तो आप जब भवन आएंगे, त्रिकुटा भवन जब आप आएंगे तो आपको इस तरीके का जो है एक स्लिप दिया जाएगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस स्लिप को आपको फिल करके देना होता है, तो उस तरीके से आपको जो ऑफलाइन बुकिंग मिल जाती है। बट मेक श्योर कि जब आप यहाँ आ रहे हैं तो अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति का आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। आधार कार्ड से जो है आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके थ्रू आपको जो है डॉर्मेट्री प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन बुकिंग की, तो ऑनलाइन बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। बट एक चीज मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप पीक डेज में आने की प्लान कर रहे हैं, लाइक नवरात्रे में आप आने की प्लान कर रहे हैं, जैसे नवरात्रे अभी बहुत करीब है, नवरात्रे आने की आप प्लान कर रहे हैं, या फिर आप विंटर या समर वैकेशन में आने का प्लान कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप जो बुकिंग है वो ऑनलाइन करके आए, प्री बुकिंग करके आए 1 महीने पहले, ताकि आपको जो है प्रॉपर स्टे मिल पाए, आपको प्रॉपर डॉर्मेट्री मिल पाए। एल्स जो है डॉर्मेट्री बहुत जल्दी फुल हो जाती है, क्योंकि जो है प्राइस भी इनका थोड़ा कम होता है। आइडियली रूम से प्राइवेट होटल से देखा जाए तो इनका प्राइस बहुत ज़्यादा कम होता है, जिस वजह से जो है ये बहुत जल्दी फुल हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप जो है प्री बुकिंग करके यहाँ पे आइए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई जानकारी और जानना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर के भी मेरे से पूछ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।